थर्ड यूनिट आज स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका हैश डायग्राम। हैश डायग्राम तो देखिए भाई, हैश डायग्राम कैसे बनाते हैं, हैश डायग्राम है क्या, पहले तो ये समझते हैं। हैश डायग्राम हम लोग बोलते हैं कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है एलिमेंट्स का। एग्जाम्पल लेके बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक सेट है आपका x, जिसमें एलिमेंट दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और हैश डायग्राम मुझे बनाना है x, डिवाइडेड बाई ऑपरेशन के लिए। तो देखिए, इसका सीधा सीधा मतलब है, अगर आपको रिलेशन बनाने को कहा जाए तो कैसे आप बनाएंगे, जो डिवाइड होंगे आपके, तो 1, 1, 1 से तो सारी हो जाएंगे 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। इसका 2 से बनाएंगे तो 2, 4, 2, 6। इसके बाद 3 से बनाएंगे तो 3, 3 हो जाएगा, इधर 2, 2 भी ऐड होके आएगा 3, 6। मतलब जो डिवाइड होते हैं उसके हम रिलेशंस बना रहे हैं, तो 3, 6। 4 का बनाएंगे तो 4, 4 केवल बनेगा, 5 का बनाएंगे तो 5, 5 बनेगा, और 6 का बनाएंगे तो 6, 6। इनको हम लोग बेसिकली डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। जैसे कि 1 है तो हमने एक एलिमेंट यहां पर लिया 1, 1 से डिवाइड होता है 2, तो एक डायरेक्शन में भेजा मैंने 2, 1 से डिवाइड होता है 3, बट 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 को अलग डायरेक्शन में भेजेंगे। 4 1 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है, तो मैंने इधर कर दिया 4। 5 4 और 3 से नहीं डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, इसको अलग डायरेक्शन में भेजेंगे हम लोग 5, ये होगा 5। 6 जो है हमारा 2 और 3 से डिवाइड होता है, बट 4 और 5 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए इसको इससे लिंक कर देंगे 2 और 3 से 6। अब आप समझ रहे होंगे कि हम लोग कैसे हैश डायग्राम बनाते हैं। मींस ये लाइन ठीक खींचेगा आप लोग, 1 जिससे जो रिलेशन आपको दिया गया हो, जिस एलिमेंट को सेटिस्फाई करता हो, उसी की प्रोसीडिंग में हम आगे चलते जाएंगे, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, x दिया गया है, x कैपिटल x इक्वल टू 1, 2, 3, 4। और कहा जाता है कि x, डिवाइडेड बाई ऑपरेशन के लिए आप हैश डायग्राम बनाइए। सेम कॉन्सेप्ट देखिए, सबसे पहले आया 1, इसका 2 ये रहा एक डायरेक्शन में, 3 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसको बिल्कुल सेपरेट लाइन चाहिए होगी, तो ये हो गया 3। अब 4 उठाएंगे तो 4 2 से डिवाइड होता है, तो हम यहां से इस तरीके से ले गए 4। अब 8 जो है हमारा 2 और 4 से डिवाइड होता है, तो हम इसी के साथ आगे लेके चलेंगे 8। 9 हमारा इनमें से डिवाइड नहीं होता है, 1 और 3 से डिवाइड होता है, तो इसको इसके साथ लेके चलेंगे हम लोग 9। अब 12 जो है 9 से डिवाइड नहीं होता है, बट 4 और 3 से डिवाइड होता है, तो हम लोग इस तरीके से क्लिक करेंगे 3 और 4 यहां से लेके आगे हम लोग, और ये हो गया हमारा 12। ठीक है, 18 जो हमारा होगा, 12 हो गया, 18 जो है हमारा 3 और 9 से डिवाइड होता है, ठीक है, बट 2 4 से डिवाइड नहीं होता है, बट 2 से डिवाइड होता है, तो इस तरीके से हम कनेक्ट कर देंगे 18, क्योंकि 2 से डिवाइड है, 3 से भी है, 9 से भी है, 4 और 8 इससे डिवाइड नहीं होता। इसके बाद 24, तो 24 हमारा डिवाइड होगा किससे, यहां से 8 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, बट 18 से नहीं होगा, और 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 3 से डिवाइड होगा और 12 से डिवाइड होगा, तो हम लोगों ने 12 को इस तरीके से ऊपर उठाया और इससे कनेक्ट कर दिया, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 4 और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके समझ में आ गया होगा कि हैश डायग्राम कैसे बनाते हैं, जो ऑपरेशन दिया गया उसी के ऑर्डर में हम लोग चलते जाएंगे। इसमें समझने वाली बात यह है कि जो इसमें दो चीजें मैटर करती हैं, एक तो ये पॉइंट जो आप लगा रहे हैं वो उनका ऑर्डर, और दूसरी हाइट। इसमें हम हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही चलते हैं,
आप इसको इस फिगर को रोटेट करने की कोशिश ना करें। आप चाहते हैं कि अगर इस फिगर को ऐसे रोटेट कर दें या कुछ और कर दें, नहीं, गलत हो जाएगा। जैसा बना है वैसे ही रहेगा। इसको रोटेट करके या फ्लिप करके कोई भी ऑपरेशन मत करिएगा, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। इस ऑर्डर का मतलब है कि हम जो ऊपर के एलिमेंट है वो नीचे की वैल्यू से डिवाइड होते हैं, या जो भी ऑपरेशन दिया जाए वो ऑपरेशन को फुलफिल करते हैं। इस तरीके से ये हैश डायग्राम हमारे बनते हैं। अब देखिए, ये तो हुए वैल्यूज पे बेस्ड। अगर आपसे कहा जाता है, एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको, आपसे कहा जाता है कि एक सेट दिया गया है ए कॉमा बी, इसके पावर सेट का आप हैश डायग्राम बनाइए। पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? फाइव ए बी ए कॉमा बी, इतने एलिमेंट आएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। फाइव किसका सबसेट होगा? ए और बी का। तो यहां बना दिया मैंने ए और यहां बना दिया मैंने बी, पॉइंट लिख लीजिएगा। और ए और बी ये किसका सुपरसेट होगा? इसके लिए, इन दोनों के, ए और बी के लिए। तो ये हो गया ए कॉमा बी। तो इसका ये हैश डायग्राम बन गया। अगर ये तीन एलिमेंट दिए होते आपके पास ए कॉमा बी कॉमा सी, और इनके लिए अगर आपसे कहा जाता कि हैश डायग्राम बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे? पहले इसका सुपरसेट लिखिए, पावर सेट लिखिए क्या होता है। फाइव ए बी सी, अब दो दो है कॉम्बिनेशन, तो ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, बी कॉमा सी और ए बी सी। फाइव इसका, ये तीन अलग चलेंगे, और देखिए मैं बना के दिखा देता हूं। ये रहा फाइव, तो ए बी सी तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे क्योंकि तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं। ठीक, ये तीन डायरेक्शन हमारे आ गए। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब ए बी तो इन दोनों से कनेक्ट होगा, कनेक्ट कर दीजिए आप ए और बी। ये रहा, तो ये बन गया ए कॉमा बी। इसके बाद ए सी, तो ए और सी इससे कनेक्टेड होगा, तो ए और सी, तो ये हो गया ए कॉमा सी। बी सी किससे कनेक्टेड होगा? इससे और इससे, तो बी और सी मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये लीजिए, ये हो गया आपका बी कॉमा सी। ये बीच में कोई भी डॉट नहीं रहेगा, और ए बी सी तीनों से कनेक्ट रहेगा, ए बी सी से भी रहेगा और ए बी बी सी और सी ए से भी रहेगा। तो आप कर दीजिए इस तरीके से, दिस वन एंड दिस वन, तो ये हो गया आपका ए बी और सी। ठीक, तो इस तरीके से आप कोई भी हैश डायग्राम डिजाइन कर सकते हैं। अब हैश डायग्राम से आगे कुछ एलिमेंट्स का कैलकुलेशन भी हम लोग करते हैं, देखिए बताते हैं कैसे। ये देखिए, मैंने कुछ फिगर, ये हैश डायग्राम लिए हुए हैं ऑलरेडी। ये फिगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। ये ऑलरेडी हैश डायग्राम है। अब अगर मुझे इन हैश डायग्राम के लिए, कई बार पूछा जाता है कि कैलकुलेशन निकाल बताइए, क्या ये चीजें हमें निकालनी होती हैं जनरली, ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है, लीस्ट एलिमेंट कौन सा है, मैक्सिमल एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट। ग्रेटेस्ट एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट, मैक्सिमल एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट, ये निकालने को दिया जाता है। या सीधा आपको दे दिया जाएगा, सेट दे दिया जाएगा एक्स, ऑपरेशन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि हैश डायग्राम बनाओ और ये चीजें कैलकुलेट करो। तो देखिए कैसे करेंगे। पहली चीज, एक बात आप नोट कर लीजिएगा कहीं पर, कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट, मैक्सिमल एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट, ये पूरे हैश डायग्राम का निकलता है, ना कि एलिमेंट्स का। कंप्लीट हैश डायग्राम के ही ये वैल्यूज निकल के आएंगे। अब देखिए फिगर ए, ये देखिए फिगर ए बना हुआ है। ठीक, ये है फिगर ए। अब देखिए मुझे क्या करना है, मैंने ये फिगर नंबर डाल रखे हैं, ये फिगर है एफ आई जी। ठीक है, ए का ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा? ऊपर वाला 27, लीस्ट एलिमेंट नीचे वाला 1, मैक्सिमल, मैक्सिमल भी ऊपर वाला
27, मिनिमल नीचे वाला 1। अब आप कहेंगे सर मैक्सिमल मिनिमल और ग्रेटेस्ट, मैक्सिमल और ग्रेटेस्ट में क्या अंतर है, लीस्ट और मिनिमल अभी समझ में आ जाएगा। अब देखिए फिगर बी, बी में ग्रेटेस्ट एलिमेंट, अब देखो इसमें अपर, मैंने कहा था ना कि इसकी डायरेक्शंस में हमारी फर्क पड़ता है, तो यहां पर देखिए एंडिंग छोड़ी कहां पर गई है, एक 4 पे छोड़ा गया है, एक 6 पे छोड़ा गया है और एक 5 पे छोड़ा गया है, कोई एक एलिमेंट ग्रेटेस्ट नहीं है, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट, नो। लीस्ट एलिमेंट एक है 1। अब क्योंकि ये सेम कैटेगरीज पे थे, सेम प्रायोरिटी पे थे, सेम हाइट पे थे, तो हम लिखेंगे 4, 6 और 5, मतलब 4, 5, 6, दीज आर मिनिमल मैक्सिमल एलिमेंट्स बट हैविंग नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट। मिनिमल एलिमेंट क्या होगा, 1। तो कहने मतलब ये फिगर बी हैज 3 मैक्सिमल एलिमेंट 4, 5 एंड 6 बट 1 लीस्ट एलिमेंट दैट इज 1 एंड नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट, कोई भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट यहां पर नहीं होगा। ठीक, अब देखिए सी फिगर, अगर नहीं दिख रहा हो फिगर तो आप पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। इसमें देखिए ग्रेटेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि 2 एलिमेंट हैं। मैंने पहले ही कहा था फिगर को रोटेट नहीं करेंगे, फिगर को फ्लिप नहीं करेंगे, जैसा है उसी में ही कैलकुलेशन करेंगे। लीस्ट एलिमेंट कोई नहीं, मैक्सिमल 12.18, मिनिमल 2.3। ठीक, फिगर डी देख, ग्रेटेस्ट डी दिस वन, लीस्ट कोई नहीं क्योंकि 2 एलिमेंट है, मैक्सिमल डी आ जाएगा यहां पर, मिनिमल ए कॉमा बी। ये चीज हमेशा पूरे फिगर की निकल रही है, देखिए कोई एलिमेंट का नहीं निकाल रहा हूं। ई के केस में देखिए, इसमें मैक्सिमल एफ, मिनिमल सॉरी ग्रेटेस्ट एफ, लीस्ट ए, मैक्सिमल बी एफ और मिनिमल ए। इस फिगर में देखिए ग्रेटेस्ट ए बी सी, ये पूरा एलिमेंट है, और मिनिमल 5, लीस्ट 5, मिनिमल भी 5, मैक्सिमल एलिमेंट ए बी सी। ठीक, तो इस तरीके आप ग्रेटेस्ट एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट, मैक्सिमल एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट किसी भी हैश डायग्राम का कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसमें अब दो चीजें और आती हैं नई, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। अभी बताता हूं इसका मतलब क्या होता है लोअर बाउंड। अब देखिए अपर बाउंड और लोअर बाउंड से रिलेटेड एक चीजें हैं, लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड। अपने जैसे यहां पर ग्रेटेस्ट और लीस्ट निकाला था ना, उसी से रिलेटेड है कुछ, अभी बताता हूं। ग्रेटेस्ट लीस्ट अपर बाउंड, या फिर इसी को शॉर्ट में बोलते हैं LUB, और इसी को एक दूसरा नाम है इसका सुपरमम। और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड से ये निकल के आया है और लोअर बाउंड से निकला है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसी को ही हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में GLB, और इसी को बोलते हैं इनफीमम। ये टर्म एक ही है, पहले मैंने लिख के आपको ये बताया है, इन तीनों में से कुछ भी लिखा हो ये बात एक ही है, इन तीनों में से कुछ भी लिखा हो तो बात एक ही है। ठीक है ना। अब देखिए अभी जो आपने पढ़ा था ग्रेटेस्ट एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट, मैक्सिमल एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट, ये पूरे हैश डायग्राम का निकलेगा। ठीक, अब जो हम बताने जा रहे हैं आपको अपर बाउंड, लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या इसको LUB कह लें या GLB कह लें या सुपरमम कह लें या इनफीमम कह लें, ये हमारे निकलते हैं एलिमेंट्स के लिए, सेट ऑफ एलिमेंट्स, जो हैश डायग्राम के एलिमेंट्स होंगे सेट ऑफ एलिमेंट्स, उन्हीं के लिए ही हम निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं, मैं एक हैश डायग्राम बनाता हूं शॉर्ट में, जस्ट कॉपी कर लेता हूं। ठीक, अगर प्रॉपर ना दिख रहा हो
तो आप इसकी पिक्चर क्वालिटी इंप्रूव कर लीजिएगा, उससे क्लियर हो जाएगा। ये एक हैश डायग्राम दिया गया है, राइट। अब मुझे इसमें निकालना है, अपर बाउंड निकालनी है 2.3 की, अपर बाउंड निकालना है 2.3 के लिए, ऐसे लिखा जाएगा अपर बाउंड ऑफ 2.3, और लोअर बाउंड निकालता हूं, अब पूरा लिखता हूं इस तरीके से, अपर बाउंड ऑफ 2.3, और फिर हम निकालेंगे इसका लीस्ट अपर बाउंड। अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं LUB 2.3 क्या होगा, ठीक। तो लोअर अपर बाउंड भी निकालेंगे और लीस्ट अपर बाउंड भी निकालेंगे, और एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं इसका। हम निकालेंगे फिर इसका लोअर बाउंड, लोअर बाउंड ऑफ 2.3, ठीक। फिर निकालेंगे इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है 2.3, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लोअर बाउंड ऑफ एक सेट और ले लेते हैं 4.6, ठीक, और इसका GLB भी निकाल लेते हैं 4.6, और इसकी अपर बाउंड भी निकाल लेंगे, अपर बाउंड 4.6। आपको एग्जाम में दिया जाएगा कि किसका निकालना है, ठीक है। मैंने चार केस लिए हैं और LUB ऑफ 4.6। अब देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, चार केस। 2.3 के लिए अपर बाउंड, देन लीस्ट अपर बाउंड, फिर 2.3 का लोअर बाउंड, देन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, फिर 4.6 का अपर बाउंड, फिर इसका लीस्ट अपर बाउंड, फिर 4.6 का लोअर बाउंड और देन इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब देखिए होता क्या है, 2.3, 2 कहां है ये रहा, 3 कहां है ये रहा, इसका अपर बाउंड मतलब इससे अपर डायरेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, सीधा सा मतलब है 2.3 अपर बाउंड है, का अपर बाउंड अगर निकालना है तो 2.3 से अपर डायरेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट कनेक्टेड है। तो देखिए 2.3 से कौन कौन से कनेक्टेड है, 4, 5, 7, 8, 6 पे नहीं जाएंगे बिकॉज ऑफ 6 हमारा 3 से तो कनेक्टेड है बट 2 से कनेक्टेड नहीं है, दोनों से कनेक्टेड होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। तो 4 हमारा दोनों से कनेक्टेड है, 5 भी दोनों से कनेक्टेड है, 7 भी दोनों से कनेक्टेड है और 8 भी दोनों से कनेक्टेड है। देखिए ये इधर से तो 3 जो है वाया 6 कनेक्टेड है, तो अपर बाउंड एलिमेंट कौन कौन से हो गए, 4, 5, 7, 8। अब लीस्ट अपर बाउंड, इसका मतलब अपर डायरेक्शन में जो सबसे नजदीक एलिमेंट है वो कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि 2.3 में जो आपने 4, 5, 7, 8 निकाला था, अब इसमें लीस्ट कौन सा है, अपर बाउंड में भी लीस्ट। तो आप देखिए इसमें दो एलिमेंट मिल रहे हैं आपको, 4 और 5, ये 4 और 5 आपके सेम लेवल पे हैं, है ना। तो लीस्ट अपर बाउंड दो एलिमेंट नहीं हो सकते, ये एक ही एलिमेंट होगा, तो हम लिखेंगे यहां पर नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल का मतलब दो एलिमेंट सेम लेवल पे मिल गए, बात समझ में आ गई। एक और देख लीजिए एग्जांपल, जैसे 4.6, अब देखिए मैंने एलिमेंट लिए हैं कौन कौन से, 4.6, तो देखिए जरा 4.6 कौन से, मैं कलर चेंज कर देता हूं उससे आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। 4 कहां पर है, ये रहा, 6 कहां पर है, ये रहा, 6 ये रहा, ठीक। तो 4.6 की अपर डायरेक्शन देखिए कौन कौन से एलिमेंट कनेक्टेड है, 7 4 से तो कनेक्टेड है बस 6 से कनेक्टेड नहीं, 8 हमारा 4 से भी कनेक्टेड है और 6 से भी कनेक्टेड है ना, और कोई एलिमेंट नहीं, तो इसका अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 8। अब इसका अपर बाउंड ये हो गया लीस्ट अपर बाउंड, तो 8 एक ही था तो यही एक एलिमेंट हमारा लीस्ट अपर बाउंड में आ जाएगा, तो ये हो गया 8 लीस्ट अपर, अगर दो होंगे तो लीस्ट अपर बाउंड नहीं होगी, ठीक। अब देखो लोअर बाउंड के लिए 2.3, 2 ये रहा, 3 ये रहा, लोअर बाउंड मतलब इसके नीचे दोनों एलिमेंट कौन से कनेक्टेड है, तो 6 तो इससे ऊपर जा रहा है हल्का सा, 1 हमारा ऐसा है जो 2 से भी कनेक्टेड है और 3 से वाया 6 कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा क्या लोअर बाउंड ऑफ 2.3, अब देखिए इसमें एक चीज समझने वाली है, मैंने अभी कहा कि 2.3 का लोअर बाउंड 1 होगा,
देखना जरा ध्यान से, इसका मतलब ये है कि टू जो है हमारा जो भी ऑपरेशन डिफाइन था वन से तो सेटिस्फाई होता था, लेकिन थ्री हमारा वन से उस ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाई नहीं होता है बिकॉज ऑफ थ्री और वन की कनेक्टिविटी नहीं है। सिक्स देखिए हल्का सा लेवल जो है सिक्स का थ्री से ऊपर है, मतलब वो ऑपरेशन वन का सिक्स से तो डिवाइड होता है लेकिन थ्री से नहीं होता है। तो हम कहेंगे कि जब लोअर बाउंड निकालेंगे टू और थ्री की तो डायरेक्ट नीचे देखेंगे तो वन जो है टू से तो कनेक्टेड है लेकिन थ्री से कनेक्टेड नहीं है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये अपवर्ड जाके फिर डाउनवर्ड है, तो इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। बस समझ में आ गई, तो लोअर बाउंड जो टू और थ्री का है वो नॉट अवेलेबल। क्यों? इस फिगर में टू, मैं फिर से बताता हूं, टू के नीचे तो वन है लेकिन थ्री से वन कनेक्टेड नहीं है। अगर थ्री से वन कनेक्टेड है तो अपवर्ड जाके फिर डाउनवर्ड है, तो ये हम नहीं देखेंगे। हाँ, अगर ऐसा होता यहां नीचे आके किसी से कनेक्टेड होता देन हम लोग कंसिडर कर सकते थे, ठीक। जब चूंकि लोअर बाउंड नहीं है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी नहीं होगा, नॉट अवेलेबल। अब देखिए 4.6 का केस, इसको देखिए 4 ये रहा 6 ये रहा। अब देखिए इसमें नीचे की तरफ 2 है तो 2 जो है हमारा 4 से कनेक्टेड है बट 6 से कनेक्टेड नहीं है। 3 4 से कनेक्टेड है नीचे की तरफ, 4.6 के केस में 3 नीचे की तरफ कनेक्टेड है और 6 हमारा इससे कनेक्टेड है। तो अब देखिए 4 का हमारा 4.6 का जो लोअर बाउंड होगा वो 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 भी कनेक्टेड है और 6 से भी कनेक्टेड है, तो यहां पर एक एलिमेंट आ गया 3। और 4.6 के आगे के 2 4 से के नीचे है बट 6 से कनेक्टेड नहीं है, तो ये नहीं होगा। 1 हमारा कनेक्टेड है, 4 से 1 कनेक्टेड है और इधर 6 से भी 1 कनेक्टेड है, तो एक हो जाएगा 1, तो 3.1। अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसने बोला है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ 4.6, तो 4.6 का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है? जो अब लोअर बाउंड हो बट बड़ा हो तो क्या हो जाएगा? 3। तो अब आपके कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर नहीं आया है तो एक एग्जांपल और लेता हूं। अब ये देखिए, ये मैंने एक हैश डायग्राम लिया हुआ है, ठीक, ये हैश डायग्राम है और इसमें मैंने ये एलिमेंट्स लिए हैं, कॉम्बिनेशन ABCIH ACDF BDG, इनके लिए अपर बाउंड निकालेंगे, लोअर बाउंड निकालेंगे, फिर लीस्ट अपर बाउंड निकालेंगे, फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालेंगे, ठीक। तो देखिए फर्स्ट वन इज ABC, ABC कहां पर है? AB एंड C, इसका अपर बाउंड क्या होगा? AB और C, बी अपवर्ड डायरेक्शन में कनेक्टेड एलिमेंट्स कौन से हैं? डी, इसके बाद अब डी जो है बी से कनेक्टेड है बट सी से कनेक्टेड नहीं है, तो ए और बी से कनेक्टेड हो गया बट सी से कनेक्टेड नहीं है, तो डी नहीं होगा। इसके बाद ई हमारा इधर से कनेक्टेड है और बी से कनेक्टेड है, ई हो जाएगा, ठीक है। एफ भी ए बी और सी तीनों से कनेक्टेड है, ठीक है। जी ए बी से तो कनेक्टेड है बस सी से कनेक्टेड नहीं है। एच हमारा ए बी सी तीनों से कनेक्टेड नहीं है, देखिए बी से कनेक्टेड है, हाँ एच हमारा बी से कनेक्टेड है अपवर्ड डायरेक्शन में, सी से भी कनेक्टेड है, ठीक है, एच हो जाएगा। आई भी हमारा इधर से कनेक्टेड है और इधर से कनेक्टेड है, तो आई हो जाएगा। तो ये हुआ अपर बाउंड। अब लीस्ट अपर बाउंड अगर आप देखोगे तो ई एफ जी एच आई, तो लीस्ट कौन सा होगा? ये होगा ई वाला ना, तो लीस्ट अपर बाउंड हो गया इसका ई। अब ये लोअर बाउंड ए बी और सी तीनों से नीचे कनेक्टेड कौन सा है? कोई भी नहीं, केवल ए है। ए तो सेल्फ से भी कनेक्टेड है और बी से भी कनेक्टेड है और सी से भी कनेक्टेड है, तो यहां हो गया ए। तो यही एक ही एलिमेंट है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा? ए। तो इस इन पर्टिकुलर तीन एलिमेंट्स के लिए ए बी सी के लिए अपर बाउंड ये रहा, लोअर बाउंड ये रहा, लीस्ट अपर बाउंड ये रहा और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ये रहा। दूसरा कॉम्बिनेशन देखिए एच और आई के लिए, एच और आई ये एलिमेंट है, एच ये रहा आई ये रहा, तो
तो अपर बाउंड इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो नहीं मिलेगा, नो, डैश कर दिया। लोअर बाउंड देखिए एच और आई के लिए, तो इधर एच और आई दोनों से कनेक्ट होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से इधर वाले जितने ये एलिमेंट है ये सारे ही हो जाएंगे, है ना। तो हम लिख सकते हैं ए सी ई एफ, है ना, एच और आई से अब एफ हो जाएगा, तो फिर इधर आएंगे तो देखना जरा, एफ के बाद ये भी डाउनवर्ड है तो डी भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा, मतलब एच और आई से लोअर बाउंड में एफ ई सी ए तो होगा ही होगा, साथ में डी और बी भी हो जाएगा क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, तो कैसे लिखेंगे हम, लिख देते हैं पहले तो ये लिख देंगे एफ ई सी ए, एफ ई सी ए देन बी डी, लोअर बाउंड ये हो गई। अब लीस्ट अपर, सॉरी लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सबसे ऊपर का कौन सा है, एफ, तो यहां पर क्या हो गया एफ, ये चूंकि अपर बाउंड मिली नहीं थी इसलिए लीस्ट अपर बाउंड भी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखिए ए सी डी एफ, मैं इस फिगर से अब ये एरोस हटा देता हूं। नेक्स्ट हमने लिया है ए सी डी एफ, ए सी डी और एफ, इनसे अपर बाउंड देखिए क्या होगा, इन चारों से जो कनेक्टेड हो, तो आई थिंक केवल एच ही मिलेगा, है ना। एक चीज और, अभी देखिए ए बी सी में ए बी और सी जब लिया था हमने तो ये अलग अलग थे, ठीक है, आई और एच में भी दोनों एलिमेंट अलग थे, अब यहां पर क्या है ए सी डी एफ, तो इन चारों से पहले एफ भी तो कनेक्टेड है, तो इसे भी तो आप देखोगे, ये ए से भी कनेक्टेड है, सी से भी कनेक्टेड है, डी से भी कनेक्टेड है, और एफ अपने आप से तो कनेक्टेड है ही है, तो फिर एफ हो जाएगा, देन फिर एच हो जाएगा, और देन फिर आई हो जाएगा, तो यहां पर आ गया एफ एच आई, और लीस्ट अपर बाउंड तो सबसे नीचे क्या है एफ, तो यहां पर हो गया एफ, ये बात समझने वाली है। अब आप कहेंगे सर ए बी सी और आई एच में क्यों नहीं लिया, वही मैं बता रहा था कि ए बी और सी, तो बी ए है सी ए, ये दोनों आपस में कनेक्टेड थे ही नहीं, एच और आई में एच और आई आपस में कनेक्टेड थे ही नहीं। अब देखिए ए सी डी एफ की लोअर बाउंड, ए सी डी एफ तो चारों की लोअर बाउंड क्या होगी, कैपिटल ए, केवल ए, और देखो इसके नीचे तो है ही नहीं, तो लोअर बाउंड हो गया ए, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एक ही है तो ये ग्रेटेस्ट होगा ए। अब देखिए बी डी जी, मैं फिर से ये एरो हटा देता हूं सर्किल, अब एलिमेंट कौन सा हमें चेक करना है, बी डी और जी, ठीक है ना, तो पहले अपर बाउंड देखिए, तो तीनों से कनेक्टेड जी है तो हो गया जी, इसके बाद एच, बस और इधर डाउनवर्ड जाना ही नहीं है। अब इसमें से लीस्ट अपर बाउंड कौन सा होगा बी डी जी में, तो जी, अब लोअर बाउंड देखिए, तो लोअर बाउंड में पहले तो बी सेल्फ ही आ जाएगा, तीनों से कनेक्टेड है, देन फिर ए आ जाएगा, तो यहां हो गया ए कॉमा बी, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो बी। तो इस तरीके आप ये एलिमेंट्स आप निकालेंगे, इनके लिए अपर बाउंड लोअर बाउंड लिस्ट अपर बाउंड और जीएलपी निकालना आपको आना चाहिए, अब इनका यूज कहां होगा वो हम अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब इसमें देखिए जो चीज एक जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, हैश डायग्राम बनाने का, तो बना लेंगे आप लोग, बच्चे कंफ्यूज यहां होते हैं ग्रेटेस्ट लिस्ट मैक्सिमल मिनिमल, और इनके साथ कंफ्यूज हो जाते हैं अपर बाउंड लोअर बाउंड लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, ग्रेटेस्ट लिस्ट मैक्सिमल और मिनिमल ये निकलता है हैश डायग्राम का, और अपर बाउंड लोअर बाउंड लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ये निकलता है एलिमेंट्स के सेट का या एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन का, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया हैश डायग्राम मैक्सिमल मिनिमल, इसके बाद अपर बाउंड लोअर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसके बाद ये चीज बताई मैंने मैक्सिमल मिनिमल ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट। ठीक, अगर कहीं पर लीस्ट अपर बाउंड या सुपरमम लिखा हो बात एक ही है, अगर जीएलबी और इंफिमम लिखा हो तो भी बात एक ही है। अब इसके आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको बताऊंगा पार्शियल ऑर्डर सेट क्या होता है और लेटेस्ट क्या होता है। ओके, थैंक यू।